टीवी, सच साहस सरोकार। यूपी विधानसभा सत्र का दूसरा दिन अखिलेश यादव ने सरकार पर जमकर साधा निशाना। लखनऊ में केवाईसी अभियान की सफलता को लेकर मंत्री ए के शर्मा ने की बैठक। बिजली उपभोक्ताओं के लिए चलाया गया था केवाईसी अभियान। औरैया में सीएमओ की मौजूदगी में निजी अस्पताल को किया गया सील। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के निर्देश पर की गई कार्यवाही। अमरोहा में पूर्व विधायक ने की पीसी कमल मलिक के बारे में कही बड़ी बात। गाजीपुर में यूपी बोर्ड परीक्षा में पकड़े गए नकलची, नकल माफियाओं सहित 13 गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है। सत्र के दूसरे दिन पर विधायकों के निधन पर शोक प्रस्ताव पेश किया गया। आपको बता दें कि सदन में पक्ष और विपक्ष सभी ने शोक प्रस्ताव में राहुल कोल और केसरीनाथ त्रिपाठी के निधन पर दुख व्यक्त किया। साथ ही नेता प्रतिपक्ष की तरफ से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने राहुल कोल और केसरीनाथ त्रिपाठी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सूबे के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने आज ऊर्जा भवन में ऊर्जा विभाग के केवाईसी अभियान की सफलता को लेकर एक बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में डिस्कॉम के सभी प्रबंध निदेशक मौजूद रहे। आपको बता दें कि सूबे के सभी बिजली उपभोक्ताओं को केवाईसी से जोड़ने के लिए 15 दिन का अभियान चलाया गया था। और मैंने कहा था कि 2 सप्ताह का ये केवाईसी कार्यक्रम हम लोग चलाने जा रहे हैं, उसमें नो योर कस्टमर, उपभोक्ता की पहचान और उपभोक्ता के विषय में जो जानकारी है उसको अद्यतन करने का ये अभियान था। आपने ये शब्द पहले भी सुना होगा, खास करके बैंकों के पास से ये बात अक्सर आती रहती है नो योर कस्टमर का, कि कस्टमर जो भी है हमारा उसका डिटेल हमारे पास होना चाहिए। तो ये अभियान क्यों चलाने की आवश्यकता पड़ी, वो यूँ कि हमारे पास कुल लगभग 3,22,00,000 हमारे उपभोक्ता हैं बिजली के, लेकिन उनमें से 1,28,00,000 का ही हमारे पास नाम पता टेलीफोन हमारे पास उपलब्ध। यूपी विधान सदन की कार्यवाही के दूसरे दिन अखिलेश यादव ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। सदन में सरकार पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर खर्च किए गए करोड़ों रुपए पूरी तरीके से बर्बाद हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार बेरोजगारी की तरफ ध्यान नहीं दे रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि लगातार योगी सरकार में पुलिस कस्टडी में निर्दोष लोगों की मौत हो रही है, सरकार पूर्व से तानाशाही कर रही है। साथ ही कल पेश होने वाले बजट पर भी अखिलेश यादव ने जमकर निशाना साधा है। यूपी बोर्ड की परीक्षा शुरू होने से पहले नकल माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए गैंगस्टर और रासुका तक की कार्रवाई की बात कही गई थी, जिसके बावजूद गाजीपुर में नकल कराने वाले गिरोह धड़ल्ले से नकल करा रहे हैं। इस क्रम में रेहटी मालीपुर के 2 विद्यालयों से स्कूल प्रबंधक, मैनेजर, प्रधानाचार्य, केंद्र व्यवस्थापक और मुन्ना भाई सहित कुल 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इन सभी लोगों पर कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि आगे की विवेचना के दौरान इन लोगों पर गैंगस्टर और रासुका के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। की परीक्षाएं कराई जा रही है, इसके नकल के गिरोह के संबंध में हमें कोई सूचना मिली थी, मुखबिर की सूचना, जिसे मैंने पुलिस अधीक्षक महोदय से साझा किया और उसके आधार पर स्वाट टीम और क्राइम ब्रांच को लगाया गया मौके पर और नकल के गिरोह को थाना दुल्लापुर क्षेत्र में पकड़ा गया है, जिसमें कुल 13 लोग पकड़े गए हैं और 1 फरार है। और ये सभी गैंग बना करके अन्य जनपदों से प्रॉक्सी कैंडिडेट्स जो
आम भाषा में मुन्ना भाई कहे जाते हैं, उस तरह से बिठाकर अन्य जनपदों के बच्चों को गाजीपुर में दिखा करके परीक्षा दिलाई जा रही थी। परीक्षाओं में एक पूरा एक संगठित ग्रोह बना के ये लोग काम कर रहे थे। जैसा डीएम साहिबा ने बताया कि एक सूचना मिली थी जिसे डेवलप करते करते हमारी स्वाट सर्विलेंस टीम और दुल्लापुर पुलिस, ये तीनों कुछ लोगों को ट्रैक किया, तो कुल मिला के ये समझ में आया कि इन लोगों ने बाहर से अन्य जनपद जैसे बलरामपुर, बस्ती इत्यादि जनपदों से कुछ बच्चों को बुला रखा था, उनके फर्जी आधार कार्ड तैयार कराए, क्योंकि इस पूरे गैंग में जो स्कूल के प्रबंधक हैं, मैनेजर हैं और प्रधानाचार्य हैं, केंद्र व्यवस्थापक की भूमिका जो निभा रहे हैं, इस तरह के जो जिम्मेदार लोग हैं जिन पे पूरी परीक्षा कराने का उत्तरदायित्व था, वही इन्वॉल्व मिले हैं। फरीदाबाद स्टेट क्राइम की टीम ने करनाल से लापता मानसिक रूप से विचलित पत्नी को पति पत्नी को सौंपा, पति से मिलवाकर पति पत्नी की खुशियां वापस लौटाई है। ये महिला, इसका नाम रविता है और ये करीब 15 तारीख के आसपास अपने शहर करनाल से लापता हुई थी। ये फरियाद पुलिस को कल सराय ख्वाजा थाना पुलिस को कल मिली है कल रात में, और उन्होंने वन स्टॉप सेंटर छोड़ा है, तो हमें तुरंत कल सुबह ही आज सुबह ही सूचना मिली कि ये महिला इस तरह से वन स्टॉप सेंटर में रखवाई गई है। तो हम सुबह से इस महिला के जो महिला थोड़ी सी 10-20% मंद बुद्धि है ना, तो सुबह से हम लगे हुए थे महिला की काउंसलिंग करने के लिए भी, कुछ निकल के आए कुछ निकल के आए, तो महिला प्रॉपर एड्रेस अपना बता नहीं पा रही थी। ऐसे छोटा मोटा जो 2-4 किलो हमको बताए उस आधार पर हमने काम किया, गूगल की मदद से 2-4 अपने लाइजन की तरफ अपने लाइजनों से या पुलिस की मदद से, यूपी पुलिस की मदद से, तो देवरिया इसने अपने एक गांव का नाम बताया। ले गया था ये, वो बस स्टैंड से ले मैं पेशाब करने के लिए गया, तो मैंने आके देखा कि वहाँ पर नहीं मिली, मैंने पूरा ढूंढा इसको, वहाँ भी नहीं मिली। फिर मैं वहाँ बाज के घर गया, वहाँ मोटरसाइकिल उठाया, पूरा गांव में ढूंढा, पानीपत में, असंद में, जींद में, कैथल में, हर जगह ढूंढा, ये नहीं मिली। अब आप सर, आपकी मेहरबानी है, आपने यहाँ, ये फरीदाबाद स्टेट क्राइम और एसआई अमर सिंह हैं, उन्होंने आपकी पत्नी को मिलवाया है, कैसे संपर्क किया उन्होंने आपसे और कैसे आप यहाँ पहुँचे, किसने संपर्क किया था आपसे? वो जी उधर शेरवा से। औरैया में कई दिन से लापता युवक का शव मिला है। आपको बता दें कि युवक अपने घर से खेत पर जाने के लिए निकला था और फिर लौटा नहीं। वहीं शव मिलने से युवक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। अशोक सनप शंभु दयाल दोहरे, उम्र करीब 53 वर्ष, ये अमोता गांव है, थाना अजीत मल के अंतर्गत, इनकी डेड बॉडी मिली है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची, मौके पर हमने देखा घर वाले भी पहुंचे थे, उनसे पूछताछ की गई, तो घर वालों का कहना था कि 3 दिन पहले ये घर से चले गए थे और आज ये खोजते वक्त इनको मिली है इनको डेड बॉडी। ये किसान थे गाँव में, यहाँ हार में लाह काटने के लिए आए थे, तो इधर जानकारी हुई 2-3 दिन बाद मृत पड़े मिले सुनसान बाग में। भैया हैं परिवार के, परिवार के भाई हैं। हाँ, सचिव, ये कितने दिन से घर से लापता थे? जी साहब, इतवार को 10 बजे से गायब है, नाश्ता आस्ता करके 18 तारीख से। 18 तारीख अभी इनको बॉडी मिली है, आपको कैसे जानकारी हुई? जी कोई घास आस काटने आया था तो उन्होंने खबर की, फिर हमें छोटू ने फोन किया कि आपके भाई यहाँ हैं। छोटू कौन? उनका राधे दद्दा के। फरीदाबाद के संत नगर इलाके में सीवर का गंदा पानी लोगों के घरों में घुस रहा है। लोग इस गंदे पानी के रहने में मजबूर हैं। इलाके के लोग पार्षद और विधायक को भी समस्या बता चुके हैं, जिसके बावजूद भी स्थिति में कोई सुनवाई नहीं की गई है। इलाके के लोगों ने बताया कि उन्होंने नगर निगम के आला अधिकारियों तक शिकायतें की हैं, पर फिर भी समस्या का कोई भी समाधान होता नहीं नजर आ रहा है। मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, मेरे बेटा का ब्याह है, मैंने पैसे भी खुलवाने के लिए दिए मगर फिर भी कोई समाधान नहीं हुआ इसका। कितने पैसे दिए? मेरे को 150 रुपया लेके गए। कौन लेके गया? अब सारे जने उगा उगा के लेके गए। अब तो ऐसे तो मैं नाम नहीं जानती, मेरा तो आदमी भी नहीं है, मैं तो ड्यूटी करती हूँ। कौन उगा के लेके गया था, कौन थे उगाने वाले? अब ये तो मुझे नहीं पता, मगर कॉलोनी में आए थे,
बोले आंटी जी पैसे दे दो, हम ये खुलवाएंगे। संत नगर है जी, कभी पानी के लिए कभी क्या नाम है सीवरों के लिए बहुत दिक्कत हो रही है, और आपको भी दिख रहा है, जिससे भी कहें कि हाँ अभी आ रहे हैं साफ करने वाले, दुनिया परेशान है, हम परेशान है, गली गली में पानी है, क्या करें कहाँ जाएं, देखो आप, आपको खुद को दिख रहा है। कौन सा बाढ़ है ये? 31 वार्ड नंबर 14 सरकारी स्कूल पे, और सारे में पानी पानी भरो पड़ो, घर में पानी जा रहा है गो, अब हमारे यहाँ समाधान करो। और वो सा तो बटन कर लिया था हाथ जोड़ जोड़ कावो, अब कोई हम मुड़कर ना देखो कौन डूब रो कौन मर रो है। कौन है यहाँ के पार्षद साहब, कभी आए यहाँ पे देखने? छतरपाल कभी देखने आए? बटन का टाइम आ रहा है संत नगर सेक्टर भी। तो क्या दिक्कतें हो रही है यहाँ पे? समस्या बहुत है यहाँ पर, समस्या बहुत है, समाधान नहीं है जी। पानी सिवरों का स्तर भरा हुआ है कि लोग जनमानस चलने के लिए दुब्बर हैं, और बच्चे पढ़ाई के लिए आते हैं, सुबह निकलते हैं नहा धोकर बच्चों घर जाते हैं, फिर बच्चों के लिए माँ बाप तैयार करते हैं, फिर आते हैं बेचारे। और परेशानी यह है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो सुरक्षित जगह से निकल जाए। हाँ। और यहाँ में इस तरीके से पानी भर रहा है। किस चीज का पानी है ये? पानी इनको है, इनको सिवरन का पानी है। हाँ। और कहीं यहाँ कोई बरसात भाई है तो क्या कोई पार्षद वार्षद आता है आपकी सुनवाई करने? नहीं आता कोई, सिर्फ बहुत ठप्पा लगवा क्या जाते हैं और कोई झांकता नहीं है। अब नगर निगम के चुनाव आने वाले हैं, पार्षद नए नए पार्षद आपके पास आएंगे, क्या हाँ। कहेंगे आप, कौन से पार्षद? हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे हमें काम करवाओ और वोट लो। और सीवर की इतनी समस्या हो रही है, लोग बाग निकलने से परेशान है जी, हर जगह गली गली में पानी भरा हुआ सीवरों का। यहाँ तक की बात है जो हमारे वो लगे हुए हैं जेड पंप, उन्होंने भी ये गंदा पानी पीने का जो घर का यूज करने का वो प्रॉपर उन्होंने जा रहा सप्लाई में पानी, इसके लिए कई बार शिकायत भी कर चुके हैं, आते हैं बस चले जाते हैं, देख के कोई सुनवाई नहीं हो रही है किसी तरह की भी। अमरोहा में पूर्व विधायक कमल मलिक ने प्रेस वार्ता की। कमल मलिक ने कहा कि भाजपा के बसपा सांसद दानिश अली के दिए गए बयान के बाद उन्हें कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया गया है। बसपा सांसद दानिश अली के पूर्वज हिंदू थे, साक्ष्य मीडिया के सामने पेश किए, पूर्व में मुस्लिम सत्ता थी और कुछ जगह सत्ता की वजह से सत्ता और साधनों का प्रभाव प्रदेश जनता की पर पड़ता है। कोर्ट से बन सकता है और कोर्ट में ये सिद्ध हो गया कि भगवान राम अयोध्या में पैदा हुए और ये उनका मंदिर था, माने वो सारे साक्ष्य हमारे पास हैं, आलेख हैं सब, मैं आपको प्रस्तुत करूंगा। लोग जानते हैं इस देश में जिस समय इस्लाम का पदार्पण हुआ, आक्रांत आए और सत्ता मुस्लिम सत्ता थी, तो वो सत्ता और साधनों का प्रभाव प्रत्येक देश की जनता पे पड़ता है। बहुत सारे लोगों की आस्थाएं बदल जाती हैं, माना कि उनकी आस्था कांसी से बदल कर काबे में हो गई, लेकिन उनके जो पूर्वज हैं वो नहीं बदल सकते। गाजियाबाद में दो लड़कों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दो लड़के हवा में हर्ष फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों युवकों को किसी भी का जरा डर नहीं है। दोनों युवकों ने वीडियो बनाने के चक्कर में सभी कानून और धाराओं को दरकिनार कर दिया है। अब देखना यह है कि इन लोगों पर गाजियाबाद कमिश्नरेट कब और क्या कार्यवाही करती है। रायबरेली के शिवगढ़ थाना क्षेत्र में संदिग्ध अवस्था में एक युवक का शव उसके एक घर के सामने खून से लथपथ मिला, जिसकी सूचना वहां से गुजर रहे ग्रामीणों ने परिजनों को दी। युवक की मौत से परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। औरैया में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के निर्देश पर सीएमओ की मौजूदगी में स्वास्थ्य विभाग ने कार्यवाही करते हुए एक प्राइवेट नर्सिंग होम को सील किया है। आपको बता दें कि इस अस्पताल को फर्जी तरीके से चलाने को लेकर स्वास्थ्य विभाग में शिकायत की गई थी, जिस पर कार्यवाही न होने पर गोपनीय शिकायत डिप्टी सीएम से की गई है, जिसको लेकर डिप्टी सीएम ने मामला संज्ञान में आते ही औरैया प्रशासन को जांच करने के आदेश दिए। वहीं नर्सिंग होम में मिली कमियों पर स्वास्थ्य विभाग ने कार्यवाही करते हुए मौके पर ही नर्सिंग होम को सीज कर दिया गया।
माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा जो है सूचना प्राप्त हुई थी, हमारे सीमा मैडम की तरफ से जो है हमको भी एक सूचना प्राप्त हुई, जिसके आधार पर अवैध रूप से डॉक्टर कश्मीरी और डॉक्टर जो है कनौजिया के नाम से अवैध रूप से क्लिनिक का संचालन हो रहा था। और हम लोग छापे जब मारी थी तो उसके दौरान भी जो है डॉक्टर कनौजिया डॉक्टर कश्मीरी जो है अपना अवैध रूप से जो है हॉस्पिटल चला रहे थे। इसके लिए हम लोग जो है ऊपर कार्रवाई करते हुए शासन को लिख रहे हैं और अवगत कराया जाएगा। रायबरेली में अनियंत्रित तेज रफ्तार अज्ञात कार ने वृद्ध महिला को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से वृद्ध महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां महिला का इलाज जारी है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सीएससी सोलन से रेफर आया है। इनके दाहिने पैर में चोटें लगी है, दाहिने पैर एग्जामिन करने पर पता चला फ्रैक्चर है। बाकी एक्सीडेंट का मैटर है, कैसे चोट लगी है तो जांच कल से।